नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपको बता दें कि आज की बड़ी खबरों में, क्या 17 मई के बाद फिर केंद्र सरकार बढ़ा देगी लॉकडाउन? इस राज्य ने 29 मई तक पहले ही बढ़ा दिया है, जानेंगे विस्तार से। बात करें अगली बड़ी खबर की तो 4.5 करोड़ लोगों को फ्री में मिला LPG सिलेंडर। जानिए कौन और कैसे उठा सकता है इस स्कीम का फायदा, जानेंगे विस्तार से। बात करें अगली बड़ी खबर की तो प्रवासी मजदूरों के लिए यूपी सरकार ने बनाया प्लान। राज्य में आने और जाने के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन, जानेंगे विस्तार से कैसे करना है रजिस्ट्रेशन। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में, जी हां, 80,000 फंसे हुए प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने चलाई 70 स्पेशल ट्रेनें। जानिए कौन लोग कर सकते हैं सफर। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो जाए। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारत में फैली महामारी और आपकी परेशानी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों सबसे पहले फटाफट जान लेते हैं कोरोना महामारी की आज की ताज़ा अपडेट। तो आपको बता दें कि भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और ये संख्या 52,200 से अधिक की हो चुकी है। इनमें से 35,600 से अधिक लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, जबकि 14,700 से अधिक मामले ठीक हो चुके हैं। और आपको बता दें कि दुख की बात ये है कि 1,760 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक की अपडेट के अनुसार 37,59,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। दुख की बात ये है कि 2,59,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 12,59,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों के लिए यूपी सरकार ने बनाया प्लान। राज्य में आने और जाने के लिए ऐसे कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के कारण देश भर में जहां तहां फंसे प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। प्रवासी मजदूरों की परेशानी को देखते हुए यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने एक जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल की मदद से सभी प्रवासी मजदूरों के लिए घर जाने का रास्ता खुल गया है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराकर प्रवासी मजदूर अपने घर जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इस पोर्टल की जानकारी यूपी ट्रैफिक पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके दी है। इस पोर्टल पर प्रदेश के बाहर अथवा दूसरे किसी राज्य में फंसे लोग और उत्तर प्रदेश में फंसे लोग भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है, आप भी उस लिंक की मदद से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कमेंट में जरूर लिखें कि आप किस राज्य में फंसे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 4.5 करोड़ लोगों को फ्री में मिला LPG सिलेंडर। जाने कौन और कैसे उठा सकता है इस स्कीम का फायदा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में केंद्र सरकार ने देश भर में लॉकडाउन किया हुआ है। इस बीच गरीब वर्ग को राहत देने के लिए सरकार ने 5 मई 2020 तक 39 करोड़ गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी ट्विटर पर ट्वीट करके दी है। इसी राहत पैकेज के तहत उज्ज्वला स्कीम में केंद्र सरकार मुफ्त LPG सिलेंडर बांट रही है। सरकार की इस स्कीम के तहत 4.5 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थियों को फ्री LPG सिलेंडर दिए गए हैं। सरकार की इस स्कीम का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिल सकेगा जो इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड होंगे। आइए आपको बताते हैं कि कैसे और कौन उठा सकता है इस स्कीम का फायदा। पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने में करीब 4.5 करोड़ लाभार्थियों ने सिलेंडर बुक कराया है। इसमें से अधिकतर उपभोक्ताओं के घर सिलेंडर पहुंच गए हैं। कुछ लाभार्थियों ने अप्रैल महीने के अंत में बुकिंग कराई है। ऐसे में 1-2 दिन में उनके घर तक गैस सिलेंडर पहुंच जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि ये काफी बड़ा आंकड़ा है। मई में गैस सिलेंडर बुकिंग में और वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस के सभी लाभार्थियों तक पहला मुफ्त गैस सिलेंडर पहुंचाने के लिए केंद्र ने 2 अप्रैल को बुकिंग खातों में पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। इनमें से जिन लाभार्थियों ने अप्रैल में सिलेंडर बुक करा लिया है उनके खाते में दूसरे सिलेंडर के पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लाभ लेने के लिए और LPG सिलेंडर लेने के लिए ग्राहक का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है।
इसका मतलब है कि जिन लाभार्थियों का मोबाइल नंबर गैस एजेंसी के पास रजिस्टर्ड है उन्हें ही इस स्कीम का लाभ मिल सकेगा। इस स्कीम के तहत लाभ देने के लिए सरकार ने पूरी तैयारी करने के बाद सिलेंडरों की सप्लाई भी शुरू कर दी है। इसके लिए पहले लाभार्थियों के खाते में सिलेंडर की रकम जमा होगी, इसके बाद वो गैस बुक कराएंगे और नकद भुगतान कर सिलेंडर लेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हां, 80,000 फंसे हुए प्रवासियों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे ने चलाई 70 स्पेशल ट्रेनें। जानिए कौन लोग कर सकते हैं सफर। आपको बता दें कि पिछले 5 दिनों में भारतीय रेलवे ने 70 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, जिसके जरिए 80,000 फंसे हुए प्रवासियों, छात्रों और पर्यटकों को उनके घर भेजा गया है। रेलवे के अधिकारी के मुताबिक सोमवार तक 55 स्पेशल ट्रेनों ने एक तरफ का सफर तय कर लिया है और 30 ट्रेन मंगलवार के दिन चलेंगी। रेलवे के सूत्रों की माने तो इस वक्त 500 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। अधिकारियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, बिहार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से चलने वाली और यहां आने वाली ट्रेनों में यात्री के टिकट खरीदने जैसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दें, रेलवे के अधिकारी की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों ने कहा है कि प्रवासी मजदूर चाहे वो जा रहे हों या आ रहे हों वो टिकट खरीदेंगे, जबकि झारखंड और बिहार ने कहा है कि केवल आने वाले यात्री ही टिकट खरीदेंगे। रेलवे के अधिकारी ने बताया कि ये सभी राज्य ऐसे हैं जहां से सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूर जा रहे हैं और लाए भी जा रहे हैं। ऐसे में इन स्पेशल ट्रेनों को चलाना महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप अभी भी किसी राज्य में फंसे हुए हैं तो आप अपना नाम और जिस राज्य में फंसे हैं उसका नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर करें। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। 39 करोड़ लोगों के खातों में अब तक 34,800 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत करीब 39 करोड़ लाभार्थियों को डिजिटल भुगतान प्रणाली की मदद से अब तक 34,800 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा चुकी है। वित्त मंत्रालय के बुधवार को जारी वक्तव्य में ये जानकारी दी गई। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पैकेज बांटने की केंद्र और राज्य सरकारें नियमित निगरानी कर रही हैं। बयान के मुताबिक संबंधित मंत्रालय, केंद्रीय सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 8,19,00,000 लाभार्थियों को 5 मई 2020 तक पहली किस्त के तौर पर कुल 16,394 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। इनके खातों में सीधे 2,000 रुपए की वित्तीय मदद पहुंचाई गई। इसी तरह 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों के खाते में 500 रुपए की पहली किस्त के तौर पर 10,000 करोड़ रुपए भेजे गए। इनमें से करीब 8,72,000 महिला जनधन खाता धारकों ने खातों से निकासी भी की है। वहीं 5,057 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों के खाते में दूसरी किस्त के तौर पर कुल 2,785 करोड़ रुपए भेज दिए गए हैं। कमेंट में जरूर लिखें कि अभी तक आपको किसी भी योजना के तहत लाभ मिला है या नहीं। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। क्या 17 मई के बाद फिर केंद्र सरकार बढ़ा देगी लॉकडाउन? इस राज्य ने 29 मई तक पहले ही बढ़ा दिया है लॉकडाउन। जानेंगे विस्तार से। देश भर में लॉकडाउन का तीसरा फेज जारी है। इस बीच एक राज्य की सरकार ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ा दिया है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है, क्या ये लॉकडाउन और बढ़ाया जाएगा? इस पर अभी असमंजस बना हुआ है। आपको बता दें कि तेलंगाना में लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ा दिया गया है। तेलंगाना मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने मंगलवार को तेलंगाना में लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ाने की घोषणा की। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राव ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि पूरे राज्य में रात में कर्फ्यू जारी रहेगा। यदि आपको याद हो तो पिछले महीने भी केंद्र देशव्यापी लॉकडाउन के 3 मई तक बढ़ाए जाने से पहले ही तेलंगाना सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी थी। मुख्यमंत्री राव ने कहा कि लोगों को जरूरी वस्तुओं की खरीदारी का काम शाम 6 बजे तक करना होगा। यही नहीं, उन्हें इतने बजे तक अपने घर भी पहुंचना होगा। राज्य में शाम 7 बजे से कर्फ्यू लागू हो जाएगा। इस दौरान कोई घर से बाहर ना निकले, नहीं तो पुलिस उसके खिलाफ कार्यवाही करेगी। क्या सरकार को लॉकडाउन और बढ़ाना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। आगामी 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत,
उप हिमालय पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, तटीय ओडिशा, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, आंतरिक तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्य बारिश के आसार हैं। तटीय आंध्र प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में भी कुछ स्थानों पर बारिश जारी रहेगी। महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिणी मध्य प्रदेश में तापमान बढ़ेगा। कुछ हिस्सों में लू जैसी स्थितियां बन सकती हैं। दोस्तों, ये तो थी आज की कुछ महत्वपूर्ण और ताज़ा खबरें। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले हम आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। फिर मिलेंगे देश दुनिया की और भी ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए।